गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता कुमारी एंड यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल AM मोदी केयर। फ्रेंड्स, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हड्डियों में कुछ ना कुछ परेशानियां आना शुरू हो जाती है, स्पेशली हमारे मूवेबल जॉइंट्स में, हमारे शोल्डर, घुटनों में, एल्बो में, इन सब में पेन होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इसी पेन की बात करेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में जॉइंट पेन क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और उसमें हमें कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जब हमारे बॉडी में दो हड्डियां होती है ना, तो दो हड्डियों का के बीच एक कार्टिलेज होता है। ठीक है, कार्टिलेज कैसे डैमेज होता है, जब हमें छोटी छोटी चोटें लगती हैं तो उससे हमारे हड्डियों में एक घर्षण होता है और हमारा कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये डैमेज इतना होने लगता है कि हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है और हमारा चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। कार्टिलेज जो होता है ना, वो एक इलास्टिक घोल मौजूद होता है हमारी दो हड्डियों के बीच में, एक इलास्टिक घोल मौजूद होता है जो पानी, प्रोटीन और कोलेजन के मिश्रण कई परतों से मिलकर बनता है। ठीक है, उसे ये हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज करता क्या है ना, ये दो हड्डियों के बीच बैलेंस बनाकर रखता है। जब यही कार्टिलेज घिस जाता है या डैमेज हो जाता है तो दो हड्डियों के बीच घर्षण होने लगता है और वो दोनों आपस में टकराने लगती हैं, जिससे हमें जॉइंट पेन की समस्या हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी देखा जाता है ना कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, उससे भी जॉइंट पेन हो सकती है। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है तो इससे भी जॉइंट पेन कभी कभी देखा जाता है। ठीक है, तो जॉइंट पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, एज बढ़ जाना या बॉडी वेट भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसा सप्लीमेंट बताने जा रही हूँ जो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है मोदी केयर का और बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। वेल का ग्लूकोजामाइन विथ बोसवेलिया एंड करकुमिन, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये। इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना, उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें तीन तरह के इंग्रेडिएंट हैं। ठीक है, पहला है ग्लूकोजामाइन। अब ये ग्लूकोजामाइन क्या करता है, ये हमारे कार्टिलेज को पतला नहीं होने देता है। ठीक है, और अगर हमारा कार्टिलेज सही रहेगा तो हमारी हड्डियाँ एक दूसरे से टकराएंगी नहीं और उसमें फिर जॉइंट पेन नहीं होगा। तो यही ग्लूकोजामाइन क्या करता है ना, कार्टिलेज की थिनिंग को रिड्यूस करता है। बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है ये। अब इसमें मौजूद करक्यूमिन की बात करते हैं। करक्यूमिन को हम C3 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे सेल को फ्री रेडिकल से बचाता है। ठीक है, सूजन को कम करने में ये मदद करता है इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपकी हड्डियों में सूजन होने नहीं देता है। ठीक है, अब बोसवेलिया की बात करते हैं। बोसवेलिया जो है ना, नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ये क्या करता है ना, ये आपके हड्डियों में पेन होने नहीं देता है और स्वेलिंग को रोकता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ये हमारे कार्टिलेज के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे अच्छे हैं जो कि इसमें मिलाए गए हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये मोदी केयर का। ठीक है, और इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको आप दो टैबलेट ट्वाइस अ डे खा सकते हैं, दो टैबलेट एक दिन में खा सकते हैं और आपकी कंडीशन, अगर अकॉर्डिंग कंडीशन, जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से आप इसे दीजिए पेशेंट को। अगर ज़्यादा है तो चार टैबलेट भी ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन इसे ना ले,
एलर्जी की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट है, किडनी प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट हैं, जिनको चक्कर आ रहा है, खुजली है, दस्त है, तो ये सब इसे अवॉइड करें, ना लें, ठीक है। बाकी जो भी लोग हैं वो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर यूज करें अगर आपको ज़रा भी समस्या है अपनी जॉइंट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।